हेलो एवरीवन, टीचिंग वैलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज के इस वीडियो में हम पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि रिसेंटली 29 अक्टूबर को हुआ एग्जाम फील्ड असिस्टेंट का। तो फील्ड असिस्टेंट का पेपर कैसा आया हम देखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कट ऑफ क्या कुछ रहने वाला है। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए एंड तक हमारे इस वीडियो के साथ। तो आज का जो पहला क्वेश्चन पूछा गया था फील्ड असिस्टेंट के एग्जाम में था एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट रिपोर्ट। ठीक है, ई आप जानते हैं, ई फॉर एनवायरमेंट, आई फॉर इंपैक्ट, ए फॉर असेसमेंट, EIA रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ, इसके अंदर क्या कुछ था। तो यहां जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं ये पेपर, ये सेट बी है। ठीक है, याद रखना हम सेट बी की बी का पेपर आपके साथ एनालिसिस कर रहे हैं। इसको हम देख रहे हैं क्या कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसका जो आंसर आ रहा है, जो आंसर की पे आंसर लिखा हुआ है वो है इसका आंसर डी, ए बी सी एंड डी। इसका मतलब क्या है, जो ये रिपोर्ट है इसके अंदर असेसमेंट होती है लैंड कंटेमिनेशन की, और इसके अंदर असेसमेंट होती है सीवरेज एंड सीवेज ट्रीटमेंट एप्लीकेशंस की, और इसके अंदर असेसमेंट होती है हैजर्ड टू लाइफ की, और इसके अंदर असेसमेंट होती है कल्चर हेरिटेज इंपैक्ट की। तो ये होता है एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट। दूसरा क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग प्रोजेक्ट, हमें कंसीडर करना है जो नीचे प्रोजेक्ट दिए हैं और ये बताना है बेस्ट ऑप्शन क्या है फॉर विच द पब्लिक हेयरिंग इज नॉट रिक्वायर्ड इन EIA। यहाँ पे याद रखना पब्लिक हेयरिंग की बात हो रही है। तो इसमें जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है सी। क्या दिया हुआ है, सी इसका आंसर दिया हुआ है, बोथ वन एंड टू। हम देखते हैं क्या है, स्ट्रेंथनिंग एंड वाइडनिंग ऑफ हाईवेज, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्जिस्टिंग एरिगेशन प्रोजेक्ट, ये पॉइंट आप नोट करना, ये क्वेश्चन आया था। इस तरह से तीसरा क्वेश्चन पूछा गया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मटेरियल कंसीडरेशन व्हेन मेकिंग इंपैक्ट प्रेडिक्शंस ऑफ एनवायरमेंटल डैमेज। तो तीसरे का जो आंसर है वो है ए, बेनिफिट ऑफ द प्रोजेक्ट फॉर जॉब्स एंड द इकोनॉमी। क्वेश्चन नंबर फोर है IAIA स्टैंड फॉर, IAIA क्या होता है। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, इसका आंसर जो दिया गया है वो दिया हुआ है सी, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंपैक्ट असेसमेंट, ये इसका आंसर है। ठीक है, क्या है, इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ इंपैक्ट असेसमेंट। क्वेश्चन नंबर फाइव है, द हेडक्वार्टर ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन ICFRE इज सिचुएटेड इन। तो इसके हम बात करें, ये सिचुएटेड है देहरादून के अंदर। किसके अंदर, देहरादून, और जो देहरादून है ये उत्तराखंड के अंदर आता है। ठीक है, उत्तराखंड बहुत खूबसूरत जगह है, देहरादून से ऊपर मसूरी आती है, और मसूरी जो जगह है बड़ी क्वीन ऑफ हिल्स कहते हैं उसको, और क्वीन ऑफ हिल्स में ही जब आप कहीं IAS क्वालिफाई करते हैं या IPS का एग्जाम क्वालिफाई करते हैं तो वहां पे आप जा सकते हैं। ठीक है, वहां ट्रेनिंग होती है मसूरी के अंदर। क्वेश्चन नंबर सिक्स है जी, व्हाट सैंक्शंस अप्लाई व्हेन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इज वायलेटेड, तब क्या होता है। तो इसका जो आंसर है वो है ए, फाइन और इंप्रिजनमेंट होती है। अब कितना होता है आप नीचे मुझे कमेंट में बताइएगा। क्वेश्चन नंबर सेवन पूछा गया है, द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 वाज इनएक्टेड फॉलोइंग द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन द ह्यूमन एनवायरमेंट हेल्ड एट, कब हेल्ड एट, कहां पे, इन जून 1972। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर सेवन की बात हो रही है और आपने तो ये कई बार पढ़ चुके हैं एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर सेवन का जो आंसर है वो है बी, बी है स्टॉकहोम। क्या है, स्टॉकहोम इसका आंसर है। नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी जो है NGRBA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डैश डैश ड्यूटीज, उसकी ड्यूटी क्या है, उसकी अगर हम ड्यूटी की बात करें, उसकी ड्यूटी है डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी, इसकी ड्यूटी है। क्वेश्चन नंबर नाइन पूछा गया था, कंसीडर द फॉलोइंग, देखिएगा क्वेश्चन बड़ा है और आपको देखना है अच्छी तरह से क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है अगर हम एयर प्रिवेंशन कंट्रोल पोल्यूशन एक्ट की बात करें 1981, तो यहाँ पे आपको देखना है कौन सा, विच ऑफ द पेयर इज गिवन वो इज आर करेक्टली मैचड, यहाँ पे करेक्टली मैचड कौन सा है। तो यहाँ पे इसका आंसर है ए, क्या आंसर आया है, ए आंसर है। पहले का सी है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है,
और चौथे का क्या दिया गया है, बी दिया गया है। तो ये है करेक्टली मैचड। ओके, तो इसके इससे ये पता लगता है कि अगर आने अगर अब कभी भी एग्जाम होने जा रहा है, अगर होगा तो आपको एनवायरमेंट एक्ट के जो सेक्शन है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है, बड़े इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 53, सेक्शन 47 सभी। क्वेश्चन नंबर 10 था इस पेपर में, विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन अगेंस्ट द हैजर्डस वेस्ट मैनेजमेंट। तो इसका जो आंसर है वो है बेसल कन्वेंशन। क्या है बेसल कन्वेंशन? उसके बाद है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्रीज सर्व एज द सेंट्रल नोड फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्रॉट। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, बी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। क्वेश्चन का क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ पे बताया गया है नीचे दिए गए जो मिनिस्ट्री है आपको इनमें से बताना है कौन सी मिनिस्ट्री जो है ये सर्व करती है एज अ सेंट्रल नोड फॉर कोऑर्डिनेटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट एफर्ट्स फॉर ऑल नेचुरल डिजास्टर विद द एक्सेप्शन ऑफ ड्रॉट। सिर्फ ड्रॉट को छोड़ के कौन से बाकी जो है मैनेजमेंट जो है ऑल नेचुरल डिजास्टर को कहते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है। इंटरनेशनल जो जब सुनामी आ जाती है तो जो इंटरनेशनल सुनामी इंफॉर्मेशन सेंटर है वो कहाँ पे है? सुनामी आपको पता है क्या होती है, पानी के अंदर होती है या हवा के अंदर होती है या जमीन के अंदर होती है, क्या होती है आप मुझे कमेंट में बताइएगा। तो सुनामी का जो यहाँ पे हेडक्वार्टर की बात हो रही है, पूछा जा रहा है, तो इसका जो आंसर है वो क्या है, सी पार्ट, होनुलुलु। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी इज हेडेड बाय, कौन करता है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को हेड कौन करता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी, चीफ मिनिस्टर जो है इसको हेड करता है। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आज देखो आज यूटी है हमारे यहां, तो यूटी में कौन करेगा, एलजी करेगा। कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको देखना है इसमें करेक्टली मैचड कौन से पेयर हैं। तो यहाँ पे इसका जो आंसर आ रहा है वो है ए। क्या है, ए। ए से हमें ये मालूम होता है पहले का सी आ रहा है, दूसरे का ए है, तीसरे का डी है और चौथे का है नो सेफ्टी डिवाइस, ठीक है। फिजिकल हैजर्ड्स, नॉइस, केमिकल हैजर्ड्स, एक्सप्लोसिव, साइकोलॉजिकल हैजर्ड्स, स्मोकिंग, मैकेनिकल हैजर्ड्स, नो सेफ्टी डिवाइस, तो ये इसका आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, क्वेश्चन नंबर 15 बिल्कुल यहां आप देख सकते हैं, द पर्पज ऑफ कार्डियो पल्मोनरी रेसोसिएशन इज टू, क्या है इसका आंसर जो दिया गया है वो है मेंटेन ऑक्सीजनेटेड ब्लड सर्कुलेशन, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 है, द नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट सच एज वाटर, एयर, मिनरल्स आर पार्ट ऑफ द, ये किसका पार्ट होते हैं, ये तो आप सभी जानते हैं, ये बेसिक क्वेश्चन पूछा गया है, तो एबायोटिक कंपोनेंट्स के अंदर आता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, फॉसिल फ्यूल्स लाइक जैसे कोयल है, ऑयल है या नेचुरल गैस है, ये किसकी एग्जाम्पल है? तो ये जो एग्जाम्पल है ये आती है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की। इनहेलेशन ऑफ फाइन पार्टिकुलेट मैटर PM2.5 कैन लीड टू हेल्थ इश्यू प्राइमरली अफेक्टिंग द, क्या इफेक्ट करता है ये, इसका जो आंसर आ रहा है वो है सी, रेस्पिरेटरी सिस्टम को ये करता है प्रॉब्लम क्रिएट। क्वेश्चन नंबर 19 है, द इवेंट दैट लेड टू द क्रिएशन ऑफ अर्थ डे ऑन April 22 each year वाज, ये क्या है? तो इसका आंसर आएगा जी, इसका आंसर है डी, द संता बरबरा ऑयल स्पिल। क्वेश्चन 20 है, प्रोलॉन्ग्ड एक्सपोजर टू अल्ट्रावायलेट रेडिएशन फ्रॉम द सन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ, तो किसकी रिस्क हो सकती है सन की वजह से? तो ये है सिकन कैंसर। 21 पूछा गया है, इंडस्ट्रियल पोल्यूटेंट्स लाइक मरकरी है, कैडमियम है, कैन एक्युमुलेट इन द फूड चेन एंड पोज ए थ्रेट टू द, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, नर्वस सिस्टम। 22 है, द इवेंट दैट इनिशिएटेड द मॉडर्न एनवायरमेंटल मूवमेंट्स इज ऑफन एसोसिएटेड विद द पब्लिकेशन ऑफ द बुक, तो ये है इसका आंसर है ए, साइलेंट स्प्रिंग बाय ऑरेचल कैरसन। क्वेश्चन नंबर 23 है, द ओजोन होल के बारे में, ओजोन होल फिनोमेना इज मोस्ट प्रोमिनेंटली एसोसिएटेड विद व्हिच रीजन ऑफ द अर्थ, तो ये सभी जानते हैं कि कौन सा है, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी, एंटार्क्टिका रीजन जो है वहां पे। 24 है, द एस्टिमेशन ऑफ सीवेज डिस्चार्ज इज टिपिकली बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड होती है? तो इसका आंसर जो है वो है बी, टोटल पॉपुलेशन। 25 है, द डिजाइन पीरियड इज इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट रेफर्स टू द, तो ये आएगा इसका आंसर डी, क्या आएगा, डी, एक्सपेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ स्पैन ऑफ द ट्रीटमेंट।
फैसिलिटी। क्वेश्चन नंबर 26 है, कोगुलेशन इज द प्रोसेस ऑफ, कोगुलेशन कौन सी प्रोसेस होती है जी, ये होती है जी मिक्सिंग केमिकल्स टू फॉर्म फ्लोज, ये है। उसके बाद फिल्ट्रेशन इन वाटर ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स पासिंग वाटर थ्रू ए मीडियम टू रिमूव, तो ये आएगा आपका डी पार्टिकुलेट मैटर, ठीक है। 28 है, एडसॉर्प्शन इज ए प्रोसेस यूज्ड फॉर, एडसॉर्प्शन जो प्रोसेस है किसके लिए यूज होती है, तो इसका आंसर है सी रिमूविंग हैवी मेटल्स एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फ्रॉम वाटर। इसी तरह से क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 29 की बात करें, ट्रीटमेंट पॉन्ड्स एंड एरेटेड लैगूंस आर एग्जांपल ऑफ, ये किसकी एग्जांपल है, तो ये जो एग्जांपल है ये है सी की बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोसेस। 30 पूछ रहा है ट्रिकलिंग फिल्टर्स आर डिजाइनड टू, ट्रिकलिंग फिल्टर्स तो यहाँ पे जो ऑप्शन में लिखा हुआ है, जो आंसर की में लिखा हुआ है, प्रमोट बायोलॉजिकल ग्रोथ ऑन ए फिल्टर मीडियम। रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स आरबीसीज आर यूज्ड फॉर, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स नहीं है बल्कि रोटेटिंग बायोलॉजिकल कॉन्टैक्टर्स हैं, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है डी सपोर्ट बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट यूजिंग ए रोटेटिंग डिस्क। 32 में पूछा गया है सीक्वेंसिंग बैच रिएक्टर SBR इज अ टाइप ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स, वो किसके इन्वॉल्व हो रही है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है बी बैच वाइज ट्रीटमेंट विद अल्टरनेटिंग फेसेस। 33 में है एनारोबिक डाइजेशन इज ए प्रोसेस दैट ऑकर्स इन द एब्सेंस ऑफ, किसके एक जब भी आ जाएगा तो समझ लो ऑक्सीजन का एब्सेंस यहाँ पे हो गया, तो ऑक्सीजन इसका आंसर आएगा। नाइट्रिफिकेशन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स द कन्वर्जन ऑफ, नाइट्रिफिकेशन क्या करता है, कौन सा आपको वो था नाइट्रोजन साइकिल से भी क्वेश्चन पूछा गया है, 34 का जो आंसर आएगा वो आएगा बी अमोनिया टू नाइट्रेट्स एंड नाइट्रेट। न्यूमेटिक इजेक्टर से यूटिलाइज डैश डैश टू पंप सीवेज, तो 35 का आंसर आ रहा है सी क्या है एयर प्रेशर। द वेस्ट जनरेटेड बाय द टैनरी इंडस्ट्री इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय, उसको हम क्या कहते हैं जो इंडस्ट्री से होता है, वो आता है सी हाई ऑर्गेनिक कंटेंट एंड टॉक्सिक केमिकल्स वहां पे होते हैं। टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स TSS जो है इन वाटर रिप्रेजेंट, वो क्या रिप्रेजेंट करते हैं, वो रिप्रेजेंट करते हैं जी पार्टिकल्स दैट आर रिटेन्ड बाय ए फिल्टर। 38 पूछा गया है हाई सराज वॉल्यूम इंडेक्स की बात है, SVI जो है इंडिकेट्स क्या करता है, 38 जो है इसका जो आंसर आएगा वो आएगा पोर सराज सेटलिंग, ठीक है। हाई इफ्लुएंट टोटल सस्पेंडेड सॉलिड्स TSS लेवल इंडिकेट्स, वो लेवल इंडिकेट क्या करती है, इसका जो आंसर आ रहा है वो ऐसे हाई सॉलिड्स कंटेंट जो है इसका आंसर आएगा। 40 का क्वेश्चन जो 40 है उसमें है द रेशियो ऑफ स्लज मास IBS और KG में या बात करो टू द वॉल्यूम ऑफ सीवेज ट्रीटेड गैलून और M³ इज नोन एज, इसे हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 का जो आंसर दिया गया वो है डी स्लज लोडिंग रेट SLR जो है इसका आंसर आएगा। 41 जो है द एफिशिएंसी ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इन रिमूविंग न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन एंड फास्फोरस इज क्रूशियल टू प्रिवेंट, किसके लिए प्रिवेंट है, क्रूशियल है, तो इसका आंसर आएगा सी अल्गल ब्लूम्स एंड यूट्रोफिकेशन के लिए। 42 क्वेश्चन है द परफॉर्मेंस ऑफ ए वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम इज इवेल्युएटेड बाय कंपेयरिंग इन्फ्लुएंट एंड इफ्लुएंट कंसंट्रेशन ऑफ पोलुटेंट, दिस कंपैरिजन इज डन यूजिंग, हम क्या यूज करते हैं, तो इसका आंसर जो है वो है ए पॉट मास बैलेंस एनालिसिस। 43 पूछा गया है अमोनिया जो है NH3 जो है इन वाटर की बात करें कैन बी हार्मफुल टू एक्वेटिक लाइफ, क्यों, बिकॉज इट क्या करता है, ये करता है डी इज टॉक्सिक एट हाई कंसेंट्रेशन। 45 इज ए डॉक्यूमेंट, ये कौन सा डॉक्यूमेंट अब निकल के आ गया, ये डॉक्यूमेंट होता है डिस्क्राइब करता है पोटेंशियल एनवायरमेंट इंपैक्ट्स ऑफ प्रोजेक्ट एंड प्रपोज्ड मिटिगेशन मेजर्स को ये करता है। 46 है सोशियो इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ प्रोजेक्ट लेड टू इट्स इफेक्ट ऑन, तो 46 की अगर हम बात करें इसका आंसर आएगा डी लाइवलीहुड्स एम्प्लॉयमेंट इन कम्युनिटी वेलबींग। 47 है जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम GIS आर यूज्ड इन EIA, तो किसके लिए ये इस्तेमाल होते हैं, तो ये इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डिस्प्ले स्पेटल डेटा एनालिसिस इंपैक्ट ऑन मैप्स। 48 रिमोट सेंसिंग इज एम्प्लॉयड इन EIA, तो इसका जो आंसर आएगा आ रहा है वो है डी कलेक्ट डेटा एंड अबाउट द अर्थ सरफेस फ्रॉम डिजीज। 49 Which software is commonly used for modeling and simulating environment impacts?
तो इसका जो आंसर आया है वो है डी, स्पेशलाइज्ड एनवायरमेंटल मॉडलिंग सॉफ्टवेयर। क्वेश्चन नंबर 50 जो है उसमें है इन EIA द टर्म बायोटा, ये इसको बायोटा की टर्म यूज होती है EIA के अंदर, तो उससे हम अगर हम देखें तो उसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, इसका आंसर क्या हो सकता है, वो है बी, प्लांट्स एंड वेजिटेशन को वहां पे बायोटा से रेफर किया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 51 है द सोशियो इकोनॉमिक एनवायरमेंट इनकंपासेस एस्पेक्ट रिलेटेड टू, 51 में है, 51 में है सी, 52 में क्या है द प्रिकॉशनरी प्रिंसिपल्स इन इनश्राइनड इन द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट इंफिसाइजेस, तो इसका जो आंसर आएगा जी वो आएगा सी, टेकिंग प्रिवेंटिव मेजर्स विद इन एक्टिविटी कुड हार्म द एनवायरमेंट। 53 में पूछा गया है द अमेंडमेंट टू द एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1991 एक्सटेंड इट्स प्रोविजंस टू कवर, क्या क्या कवर कर रहा है जो 1991 में इसको एक्सटेंड किया गया था, तो इसका जो आंसर आएगा 53 का वो आएगा बी पार्ट, कोस्टल एरियाज एंड रेगुलेशन ऑफ हैजर्डस सब्सटेंस। क्वेश्चन नंबर है जी 54, द EIA नोटिफिकेशन कैटेगराइजेस प्रोजेक्ट इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज बेस्ड ऑन देयर पोटेंशियल एनवायरमेंट इंपैक्ट्स, दीज कैटेगरीज आर, 54 में है आपका डी कैटेगरी ए एंड कैटेगरी बी, 55 है द सेंट्रल एंड स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स वेयर एस्टैब्लिश्ड अंडर दीज एक्ट टू, तो 55 का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 55 का आंसर जो आ रहा है वो एस सी, इंप्लीमेंट एंड इन्फोर्स पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स। क्वेश्चन नंबर हम 56 की बात करें, अंडर द वाटर एक्ट 1974 की बात हो रही है, नो पर्सन कैन डिस्चार्ज एनी पोल्यूटेंट्स इनटू ए वाटर बॉडी विदाउट ऑब्टेनिंग, क्या ऑब्टेनिंग क्या चीज करनी है, पहले उसको कंसेंट फ्रॉम द स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, उसके बाद 57 है द एयर एक्ट 1981, ये एम्पावर करता है सेंट्रल एंड स्टेट बोर्ड्स टू टेक मेजर्स फॉर, किसके लिए, तो इसका जो आंसर आया है वो सी, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन। 58 है सेफ्टी ऑर्डर्स हेल्प इन, 58 क्या है सेफ्टी ऑर्डर्स हेल्प इन, तो ये क्या हेल्प करता है, इनहेंसिंग ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। 59 है डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स आर डिजाइन्ड टू, किसके लिए डिजाइन किए जाते हैं, तो ये है डी, मिनिमाइज द इंपैक्ट ऑफ मेजर इमरजेंसीज एंड डिजास्टर। 60 है द पर्पज ऑफ कंडक्टिंग ड्रिल्स एंड मॉक एक्सरसाइज इन डिजास्टर मैनेजमेंट इज टू, किसके लिए है ये, तो ये आएगा इसका आंसर सी, टेस्ट द इफेक्टिवनेस ऑफ इमरजेंसी प्लान्स एंड रिस्पॉन्सेज। क्वेश्चन नंबर 61, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको दिखाना है कौन सा करेक्टली मैचेड हुआ है यहाँ पे, ठीक है, इसका जो आंसर दिया गया है वो दिया गया है डी, क्या दिया गया है डी, इसका आंसर दिया गया है, मतलब AQ जो है AQ ये आ रहा है 4 के साथ, डिस्चार्ज की जो यहाँ पे है वो आ रहा है MQ के साथ, और टर्बिडिटी जो है सी आ रहा है आपके 1 के साथ। ओके, 62 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट है यहां पे, जो स्टेटमेंट है आपको बतानी है कौन सी करेक्ट है। पहली है इन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस क्लोरामीन कंपाउंड्स आर फॉर्मड इन वाटर, दूसरा जो है वो है इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस क्लोरामीन कंपाउंड्स आर फॉर्मड इन वाटर, तीसरा बताया गया स्टेटमेंट इन द फिल्ट्रेशन प्रोसेस क्लोरामीन कंपाउंड्स आर फॉर्मड इन वाटर, चौथा क्या है इन द स्किमिंग प्रोसेस क्लोरामीन कंपाउंड्स आर फॉर्मड इन वाटर, आपको बताना है इनमें से करेक्ट क्या है। और अब आंसर की बात करें, वहां पे आंसर ए, जो इन द डिसइंफेक्शन प्रोसेस में क्या होता है क्लोरामीन कंपाउंड जो है फॉर्म होते हैं वाटर के अंदर। नेक्स्ट क्या बताना आपको, आपको देखनी है इसके पेयर्स की देखने हैं और आपको ये बताने हैं कौन से पेयर्स हैं जो कि करेक्टली मैच्ड हैं। और ये क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर हम 63 पे पहुंच गए, हमें 120 क्वेश्चन अभी करने हैं, टोटल 121 अभी 50% रह चुके हैं, ठीक है, आप जुड़े रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया है तो अभी लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है ना, और अगर शेयर नहीं किया तो शेयर कीजिएगा, तो हम तो आपसे पैसे नहीं मांग रहे हैं, सिर्फ एक शेयर एक लाइक एक कमेंट मांग रहे हैं, ठीक है। तो सी इसका आंसर दिया है C1B4, C1B4 का मतलब क्या है, यहाँ पे C1 है
और बी 4 है। क्वेश्चन नंबर 63 की हम क्वेश्चन नंबर 63 देखें, इसमें है कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, आपको देखने हैं और आपको ये बताना है कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैच्ड है। 63 का जो आंसर आ रहा है वो है यहाँ पे सी, ओके क्या है सी मेंशन हुआ है आंसर की के अंदर, तो इस हिसाब से जो यहाँ पे है C3, सी आएगा 3 में और ये सही है B2, बी जो है 2, ये दो जो पेयर है ये बिल्कुल ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 में है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सा इसमें क्या है, देखिएगा क्वेश्चन पढ़िएगा और नीचे भी आंसर आपको देना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। पहला है मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स ऑफ फ्लोराइड इन ड्रिंकिंग वाटर इज 1.5 ppm, क्या ये सही है, बिल्कुल इतना होता है। बी है इकोली इज हेल्पफुल फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन, वाटर प्यूरिफिकेशन के लिए ये सही है नहीं। सी आ गया कोलीफॉर्म्स ग्रुप बैक्टीरिया ऑलवेज फाउंड इन कॉलोनीज, बिल्कुल ये ठीक है। अब ए भी ठीक है और सी भी ठीक है, तो ए सी कहां पे है, ए सी आपके डी के अंदर है, तो 64 का आंसर डी आ रहा है। इस तरह से 65 क्वेश्चन नंबर 65 क्या पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग ज़ोन्स ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इन सीक्वेंस एज पर द फ्लो ऑफ वाटर प्रोसेस इन द टैंक, आपको अरेंज करना है। तो 65 का जो आंसर है वो है 2, 4, 3, 1, पहले आएगा इनलेट जोन, ठीक है, दूसरा आएगा सेटलिंग जोन, तीसरा आएगा स्लज जोन और पहला जो लास्ट पे है ये आउटलेट, आपको पता ही है कि लास्ट पे ही होता है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, स्टेटमेंट क्या है पढ़िएगा एक बार, स्टेटमेंट है अ ग्रिट रिप्रेजेंट देयर हैवियर इनर्ट मैटर इन वेस्ट वाटर, क्लोरामीन रिप्रेजेंट्स द हैवियर इनर्ट मैटर इन वेस्ट वाटर, अमोनिया रिप्रेजेंट्स द प्योरिटी ऑफ वाटर, प्रिंटॉल रिप्रेजेंट्स द फुली ट्रीटेड वेस्ट वाटर, तो आपको बताना है इसमें करेक्टली मैचेड क्या है। तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो है ऑनली ए, क्या है ऑनली ए जो है इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 67, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, इन पेयर्स को आप देखिएगा और बताइएगा कौन सा करेक्टली मैचेड है, तो इसका आंसर जो है वो है सी, क्या है सी, बी का 3 और सी का 2, ये जो है ये सही है, ठीक है ना। अलम कोगुलेंट्स और AgNO3 आ गया पीएच ये आ गया क्लोराइड कंटेंट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज होता है। 68 क्वेश्चन नंबर है कंसीडर द फॉलोइंग, क्या करना है आपको बताना है यहाँ पे कौन सा पेयर जो है वो करेक्टली मैचड है, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है ए B1, बी का 1 है और सी का 4 है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन नंबर 69 में है अरेंज करना है फॉलोइंग ज़ोन्स ऑफ रिवर्स के ज़ोन्स जो है उनको अरेंज करना है वाटर क्लूजन इन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ देयर ऑक्रेंस आफ्टर द डिस्चार्ज ऑफ इफ्लुएंट्स, तो यहाँ पे ज़ोन्स दिए हुए हैं आपको बताने हैं, तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है सी 2, 4, 3, 1। 2 का मतलब क्या है, पहला आता है जोन ऑफ पोल्यूशन, दूसरा आता है जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, तीसरा आता है जोन ऑफ रिकवरी और लास्ट जो आता है वो आता है जोन ऑफ क्लियर वाटर। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 70 जो है वो पूछा गया है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताने है कौन सी स्टेटमेंट जो है इसमें करेक्ट है, तो यहाँ पे इसका जो आंसर है वो है बी ऑनली बी, मतलब क्या है इसमें डिजॉल्वड सॉलिड इक्वल टू टोटल सॉलिड माइनस सस्पेंडेड सॉलिड्स। क्वेश्चन नंबर 71 है व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन वाटर सैंपल ऑफ पीएचपीओएच इक्वल टू 0.6, तो इसका आंसर जो है वो है ए। उसके बाद 72 है व्हाट इज द रिया टूल, रिया टूल क्या होता है, रिया टूल जो है ये रैपिड एनवायरमेंटल असेसमेंट इसे कहते हैं, ठीक है। 73 है वेयर ऑफ द फॉलोइंग ग्रीन हाउस गैसेस आर प्रेजेंट, तो इसमें आंसर आएगा ट्रोपोस्फीयर, ट्रोपोस्फीयर के अंदर जो है ये ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट होती है। 73 के बाद है 74 व्हेन ईपीए केम इनटू फोर्स, कब आया ईपीए, कब इनटू फोर्स में हुआ, तो इसका जो आंसर है वो है सी आफ्टर भोपाल गैस ट्रेजेडी, कौन सी गैस लीक हुई थी, कौन सा केमिकल था, ये आप मुझे बताइएगा इसमें कमेंट के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है लाइक कीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए ताकि आगे आने वाले जो भी एग्जाम है, जो बच्चे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए इंपॉर्टेंट है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट,
आपको बताना है इसमें से कौन सा करेक्ट है। 75 का जो आंसर है वो है बी। क्या है बी? ऑनली ए इसमें ठीक है। बायोडाइवर्सिटी एक्ट जो है ये पास हुआ था 2002 में। कब हुआ था? 2002 में ये पास हुआ था। उसके बाद है जी क्वेश्चन नंबर 76। Which section of Water Act 1974 deals with compulsory acquisition of land for the state board? तो 76 का जो आंसर है वो है बी, सेक्शन 56 ऑफ वाटर एक्ट 1974। 77 बताया गया, consider the following pairs, आपको दिखाने कौन सा पेयर जो है ये करेक्टली मैचड है। तो इसमें आप देख सकते हैं ऊपर और नीचे भी आप इसको गैस करके बता सकते हैं इसका जो आंसर है वो क्या आएगा। बी का आएगा 4 और सी का आएगा 2। 78, what is the shape of prohibition sign? Prohibition sign का sign क्या होता है? वो होता है circular। क्या होता है? Circular इसका sign होता है। What does the red color indicates as per the color codes? क्या बताता है? ये बताता है fire prevention। क्या बताता है बच्चों? Fire prevention बताता है। What is the acceptable limit of mercury in drinking water? तो drinking water में क्या होना चाहिए इसका limit? तो ये इसका जो answer आएगा वो आएगा 0.001 mg per liter। Consider the following pairs, जो pairs यहाँ पे दिए हुए हैं आपको इनमें बताना है कौन सा जो है वो correctly matched है। तो देखिएगा question number 81 की बात हो रही है, A का आ रहा है 3 और B A का आ गया 3, D का आ रहा है 1। ये इसका है तो A3D1 C इसका आंसर है 81 का। 82 क्वेश्चन नंबर 82 क्या है? कंसीडर द फॉलोइंग, जैसे यहां पे कुछ दिया हुआ है, ऑर्थोटोलिडीन इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन रेसिडुअल क्लोरीन कंटेंट इन वाटर। ऑर्थोटोलिडीन इंडिकेटर इज यूज्ड टू डिटरमाइन एमपीएन काउंट फॉर ई कोली। ऑर्थोटोलिडीन इज द स्ट्रॉन्ग एसिड। आपको बताना है इस स्टेटमेंट में करेक्ट क्या है, और अगर हम करेक्ट की बात करें इसमें करेक्ट जो है वो है Only A, okay? 83. At what pH value there is only bicarbonate alkalinity remains present in the water? तो ये आएगा below 8.3. Consider the following pairs, आपको देखना है इसमें कौन सा correctly matched किया गया है, और इसका जो answer आ रहा है वो है B4C1. B4 आ रहा है और C1 आ रहा है, तो इसका answer यही है। Question number 85. 85 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एनारोबिक प्रोसेस फॉर ट्रीटिंग सीवेज। 85 का यहाँ पे हो रहा है तो इसका आंसर आ रहा है इमहॉफ टैंक। इमहॉफ टैंक इसका आंसर है। अरेंज द फॉलोइंग लेबोरेटरी टेस्ट प्रोसीजर इन द करेक्ट सीक्वेंस टू डिटरमाइन बीओडी ऑफ सीवेज सैंपल। तो 86 का जो आंसर है वो है ए। क्या है ए? 3142। पहले क्या आएगा? 3, ये पहला आएगा। दूसरा क्या आएगा? 1, ये दूसरा आएगा। चौथा जो है ये आएगा, तीसरा, और ये आएगा ये 3 86 का जो आंसर आ रहा है ए, ठीक है ना। 3142, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक है। इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 87। व्हाट इज द एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ आर्सेनिक इन ड्रिंकिंग वाटर? 87 का आंसर क्या है जी? 87 का आंसर है डी, 0.01 mg पर लीटर। क्वेश्चन नंबर 88 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बताना है कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। 88 में हम बात करें इसका जो आंसर है वो है ए एंड बी। क्या है? 88 का जो आंसर दिया हुआ है वो है ए और बी। A और B, to measure the color of water sample, Nestle tubes is used, ठीक है। To measure the turbidity, तो हम उसमें सैचिड इसको इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। ये बात भी आपको याद रखनी है। Consider the following pairs, इन pairs को आप देखिएगा और बताइएगा क्या आंसर सही है। देखिए इसमें जो A है, A आ रहा है 3 और जो B है वो आ रहा है 4। A 3 आ रहा है, B 4 आ रहा है। देखिएगा यूनिट ऑफ टर्बिडिटी ऑफ वाटर वो है NTU, और उसके बाद है यूनिट ऑफ स्पेसिफिक कंडक्टिविटी ऑफ वाटर वो क्या है? सिम। क्वेश्चन नंबर 90, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, बताना है कौन सा करेक्टली मैचड है। तो यहाँ पे 90 क्वेश्चन में हम पहुंच चुके हैं, थोड़े क्वेश्चन हमें रह गए, 30 क्वेश्चन हमें रह गए। तो इसका जो आंसर है वो है सी, A3D1, A3D1, ये इसका आंसर है, ठीक है ना।
क्वेश्चन नंबर 91 क्या है? क्वेश्चन नंबर 91 है डैश डैश इज द टेंडेंसी ऑफ पोल्यूटेंट्स टू बिकम कॉन्सेंट्रेटेड इन सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल्स। तो 91 की अगर हम बात करें इसका आंसर आ रहा है डी बायो मैग्निफिकेशन। ओके 92 क्या है? डैश 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 इज एन इंटरनेशनल ट्रीटी डिजाइन टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर बाय फेंसिंग आउट द प्रोडक्शन ऑफ न्यूमेरस सब्सटेंस दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीटेशन। तो ये तो सभी को पता ही होगा, ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है ये इसका आंसर आएगा। उसके बाद आता है जी क्वेश्चन नंबर 93 द एटमॉस्फेयर इज सेड टू बी अनस्टेबल व्हेन। कब अनस्टेबल माना जाता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी पार्ट। क्या आएगा? सी पार्ट, एनवायरमेंट लैप्स रेट जो है वो ज्यादा होगी एज पर एडियाबेटिक लैप्स रेट। क्योटो प्रोटोकॉल ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है दैट कमिट्स करती है स्टेट पार्टीज टू क्या करती है रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। 95 क्वेश्चन है अमंग द फॉलोइंग व्हिच ऑल आर्टिकल्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर रिलेटेड टू नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, ये आपको बताना है। 95 का यहाँ पे जो आंसर दिया हुआ है वह है आर्टिकल 48A, सॉरी ये इसका आंसर यहाँ पे है, इसमें आता है ए भी आता है, सॉरी ए नहीं आता है, बी आता है, सी आता है और डी आता है। आर्टिकल 51 जी, 48A, आर्टिकल 21A। नीचे में ग्रीनल जो नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है इसकी मैं पीडीएफ डाल रहा हूँ नीचे पीडीएफ, आप उस पीडीएफ को भी एक बार देखिएगा और इस क्वेश्चन को एनालिसिस कीजिएगा उस हिसाब से और आप देखिएगा क्या ये इसका आंसर इसने सही दिया है या गलत दिया है। तो उसमें सब आर्टिकल जो है वो मेंशन है नीचे पीडीएफ में, आप देख सकते हैं, ठीक है ना। मुझे टाइम नहीं मिला इसलिए मैंने पूरा अच्छी तरह से एनालिसिस नहीं कर पाया इसको। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, 96 का आपको बताना है, यहाँ पे है ए बी एंड सी, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन इज मेनली ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। दूसरा है अफेक्ट्स द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड। तीसरा है कैन कॉज नोसिया, ठीक है ना, तो ये ठीक है। 97 है द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू बेबी सिंड्रोम दैट इज कॉज्ड बाय रिस्ट्रिक्टेड सप्लाई फॉर द ऑक्सीजन टू द ब्रेन, ठीक है ना। तो इसमें आंसर क्या आएगा? नाइट्रेट्स का इसका आंसर आएगा, नाइट्रेट्स। द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर मिनामेटा डिजीज, वो तो आप सभी पिछले कई सालों से पढ़ रहे होंगे, इसका आंसर आएगा डी मरकरी। 99 क्वेश्चन है डैश डैश कॉजेज मिनिमम वाटर पोल्यूशन अमंग द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स, तो इसमें आंसर जो आया वो है पोटेशियम। और आज का क्वेश्चन नंबर 100 क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, यहां पे लिखा हुआ है कौन सा इसमें करेक्ट है। जैसे आंसर में लिखा है सी, इन ए कंप्लीटली मिक्सड एनारोबिक रिएक्टर द एसआरटी इज द सेम एज द एचआरटी। क्वेश्चन नंबर 101 द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्रेश एंड सेप्टिक सीवेज रिस्पेक्टिवली आर, ये क्या होते हैं? ये जो है यहाँ पे अल्कलीन एंड एसिडिक होते हैं। 102 क्वेश्चन नंबर क्या है? द साइज ऑफ कोलाइडल सॉलिड्स इन वेस्ट वाटर आर इन द रेंज ऑफ, किसका रेंज होते हैं, रेंज क्या होता है? तो इसका जो आंसर आ रहा है वो है बी 1 nm टू 100 nm। क्वेश्चन नंबर 103 है द एवरेज सीवेज ऑफ सिटी इज 80 × 10⁶ पर डे एंड द एवरेज 5-day BOD इज 300 mg, तो अगेंस्ट स्टैंडर्ड ऑफ 60 mg एज पर कैपिटा 20°C द पॉपुलेशन इक्विट ऑफ द सिटी विल बी, अगर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा तो इसका जो आंसर है वो आपने लिखा होगा 400 × 10⁶। 104 है पिक द हेजन विलियम्स फॉर्मूला फॉर सीवर डिजाइन, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ए वी इक्वल टू 0.85 सी आर रेज पावर 0.63 एस रेज पावर 0.54। 105 क्वेश्चन क्या है? द सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी ऑफ सीवर्स इन इंडिया जनरली इज, वो कितनी होती है? वो होती है 1 m/s टू 1.2 m/s। 106 क्वेश्चन क्या है? द मेन गैस लिबरेटेड फ्रॉम द एनारोबिक डाइजेस्टर इज, वो क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है ए मीथेन। क्या है? मीथेन इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 107, क्वेश्चन नंबर 107 क्या कहता है? ए पोल्यूटेड स्ट्रीम अंडरगोज सेल्फ प्यूरिफिकेशन इन 4 डिस्टिंक्ट जोन्स, जोन ऑफ क्लियर वाटर, जोन ऑफ एक्टिव डिकम्पोजिशन, जोन ऑफ डिग्रेडेशन, जोन ऑफ रिकवरी। तो आपको क्या बताना है? इसका जो आंसर है वो क्या आएगा? इसका आंसर जो है वो है सी, सी बी डी ए, पहले आएगा सी फिर आएगा बी
फिर आएगा डी, लास्ट पे आएगा ए। क्वेश्चन नंबर 108 है, मैच द फॉलोइंग, आपको मैच करना है इन फॉलोइंग को जो यहाँ पे दिए हुए हैं, और इनका जो आंसर आ रहा है ये आएगा सी। क्या आएगा इसका? सी। ए का आएगा सी, दूसरे का आएगा डी, तीसरे का आएगा बी, चौथे का आएगा ए। अगर आपको ये मैच कर रहा है तो आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 109, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आपको बतानी है इनमें स्टेटमेंट कौन सी, कौन स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो इसका जो आंसर आएगा 109 का वो डी है। क्या हुआ दिया हुआ है? डी दिया हुआ है। इन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स डिस्चार्ज इज कंटिन्यूअस एंड स्मूथ। दूसरा है रेसिप्रोकेटिंग पंप्स आर यूज्ड फॉर स्मॉलर डिस्चार्ज इन हाई हेड्स। तीसरा है सेंट्रीफ्यूगल पंप्स नीड स्मॉलर फ्लोर एरिया। चौथा है एफिशिएंसी ऑफ रेसिप्रोकेटिंग पंप्स इज लेस देन सेंट्रीफ्यूगल पंप्स। तो ए बी सी एंड डी जो है ये इसके करेक्ट आंसर है। 110, मैच द स्लो एंड सेंट फिल्टर कंपोनेंट्स विद इट्स स्टैंडर्ड डाइमेंशंस वैल्यूज। 110 का आंसर जो है वो ए। ये आप देखिएगा किस तरह से आ रहा है, ठीक है ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 1111, ऑन एनालिसिस फॉर द कोलीफॉर्म ग्रुप यूजिंग 3 सैंपल ऑफ 10 ml, 50 ml एंड 500 ml बाय मेम्ब्रेन फिल्टर टेक्निक का इस्तेमाल करना है। रिजल्ट जो ऑब्टेन हुए 10 ml पोर्शन 5, 6, 7, 8, 9, 50 ml पोर्शन 30, 35, 36, 36, 38 और 500 ml पोर्शन 300, 380, 340, 360, 320। द नंबर ऑफ कोलीफॉर्म्स पर 100 ml इज, तो इसका जो आंसर दिया हुआ है वो दिया हुआ है बी, 66। क्वेश्चन नंबर 112 है, इन फैकल्टेटिव स्टेबलाइजेशन पॉइंट द सीवेज इज ट्रीटेड बाय, तो किसे ट्रीट किया जाता है? वो किया जाता है कंबाइंड एक्शन ऑफ एनारोबिक एंड एरोबिक बैक्टीरिया। आइडेंटिफाई द गाइडिंग स्टैंडर्ड्स फॉर इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो इसमें क्या है 113 में, इसका आंसर आएगा ए, 1S24901974। तो ISO स्टैंडर्ड हमने इसीलिए पढ़ाया था, हमें पता था इससे कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा, और हमने लास्ट में भी बताया था आपको ये इंपॉर्टेंट है। द रीसर्कुलेशन रेशियो इज डिफाइंड एज, क्या किस तरह से इसको डिफाइन किया जाता है? तो 114 की अगर हम बात करें, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 115 क्या है, द पेटेंटेड डिवाइस विच शेड्स द लार्ज सीवेज सॉलिड्स टू अबाउट 6 mm व्हेन सीवेज इज सेक्रेटेड थ्रू देम इज नोन एज, उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ए, कम्युनेटर्स। क्वेश्चन नंबर 116 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, और आपको ये बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें जो है, जैसे यहाँ पे यूट्रिफिकेशन, यहाँ पे यूट्रिफिकेशन इज द अल्गल ब्लू प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एक्सेस डिस्चार्ज ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट्स, ठीक है यहाँ तक, इनटू वाटर। कैन बी एडेड बाय एडिंग कॉपर सल्फेट टू वाटर, ये पोर्शन गलत है, ठीक है। देखिए ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर की के अंदर जो आंसर दिया गया है वो गलत दिया गया है, ठीक है ना। तो इसको आप एक बार फिर पढ़िएगा, इसको क्वेश्चन नंबर 116 जो है, इसका आंसर आंसर की के अंदर जो है वो जो दिया हुआ है, वो दिया हुआ है कि बोथ ए एंड बी आर ट्रू, बट जो कॉपर सल्फेट है इसको हम एड करके हम इसको इस्तेमाल करते हैं एल्गीसाइड, क्या करते हैं? एल्गीसाइड का इस्तेमाल करके हम इसको खत्म करते हैं, ठीक है ना। फिर भी आप देखिएगा इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन जो है किस तरह से पूछा गया है, ठीक है ना, लेकिन जहां तक मैंने इसको देखा है तो इसका आंसर यहां पे गलत मेंशन हुआ है, इसका आंसर आना चाहिए ए। चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ सेटअप्स डॉप्स ड्यूरिंग द एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट, तो इसका तो आंसर है ए, पहले स्क्रीनिंग होगी, स्कोपिंग, डेटा कलेक्शन, इंपैक्ट एनालिसिस, पब्लिक हियरिंग, फिर होता है डिसीजन मेकिंग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 118, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रेगुलर स्टैंडर्ड फॉर फिगरिंग आउट वेदर एन EIA इज नेसेसरी, तो इसका जो आंसर है वो है बी, प्रोजेक्ट कॉम्प्लेक्सिटी जो है इसका आंसर है। फिर जी 119, इन EIA टर्मिनोलॉजी व्हाट डज बेसलाइन डेटा रेफर्स टू, बेसलाइन रेफर डेटा टू किससे करता है? ये करता है डी, डेटा ऑन द करंट एनवायरमेंटल कंडीशंस इन द प्रोजेक्ट एरिया बिफोर द प्रोजेक्ट बिगिंस। और क्वेश्चन नंबर 120 जो है, व्हाट डज क्यूमुलेटिव इंपैक्ट मींस इन द कॉन्टेक्स्ट EIA, तो 120 का आंसर है ए, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ ऑल एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन प्रोजेक्ट।